गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज लेसन नंबर 9, मूवमेंट इन एनिमल्स। कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनके अंदर मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट क्या होती है, लोकोमोशन, कि उनके अंदर मूवमेंट है वो कैसे होती है, किस टाइप से होती है, तो वो सारा हम क्या करेंगे इस चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, अब आपको पता है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं एक्सेप्ट प्लांट्स, प्लांट्स को छोड़ के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ये भी आपको पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे बनी होती है, बोन्स और मसल्स से। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट। की हर एक ऑर्गेनिजम्स के क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स यूज होते हैं किसके लिए, मूवमेंट के लिए। ठीक है, अब देखो ऐसे यहाँ पे देखो, लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड मैच द फॉलोइंग दैट मूव इन सिमिलर वे। कि आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, कि कौन से जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कौन से जो एनिमल्स हैं वो एक सिमिलर वे में मूव करते हैं। ठीक है, कोई वॉकिंग से करता है, कोई फ्लाई करता है। ठीक है, तो ये सारे आपको क्या करने हैं, मैच कराने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट की आपकी फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई है हमारी। अब ये क्या करती है, किस टाइप से मूव करती है, क्या करती है, ये फ्लाई करती है ना, तो ये क्या, एक हमारा ईगल भी क्या करता है, फ्लाई करता है। तो फर्स्ट का मैच किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है एलिफेंट। एलिफेंट क्या करता है, लोकोमोशन करता है, मूव करता है किसकी हेल्प से, फिट की हेल्प से। ठीक है, तो ये किसके साथ मैच कर जाएगा, हमारा जेब्रा के साथ। ठीक है, थर्ड हमारा देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये किस किसकी हेल्प से, जैसे हमारे क्रोकोडाइल चलता है ना रेंगते हुए, तो इस टाइप से क्या, जैसे क्रोकोडाइल और हमारे लिजार्ड, तो ये क्या कर जाएगा, इसके साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा टोटोइज। टोटोइज भी किस, जो टोटोइज किसके साथ मैच कर जाएगा, हमारा फिश की तरह ही चलता, मतलब देखो फिश की ऐसे ही हमारी फिश भी होती है और इससे भी मूव मैच करता है किससे, क्रोकोडाइल से भी। ठीक है, तो ये आपने सारे ऑर्गेनिजम्स देखे हुए हैं कि कौन कितने किस टाइप से क्या करता है, मूव करते हैं। तो नेक्स्ट देखो, हैव यू सीन अ गोल्ड फिश स्विमिंग इन वाटर और ए काउ ग्रेजिंग ऑन अ मीडो और स्पैरो फ्लाइंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। क्या आपने कुछ गोल्ड फिश को क्या करते हुए देखा है, स्विमिंग करते हुए देखा होगा वाटर के अंदर, काऊ को आपने ग्रेजिंग करते हुए देखा होगा किसी भी मतलब ग्रास एरिया पे, मिडो पे। ठीक है, और स्पैरो फ्लाइंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर, और जो स्पैरो क्या करती है, फ्लाई करती है कहाँ से, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। मूवमेंट इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। की मूवमेंट क्या है, हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन बींग्स आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कि ह्यूमन बींग्स भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये क्या हमारा सबसे बेसिक फंक्शन है, कि सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, मूवमेंट ही होनी चाहिए बॉडी के अंदर, तभी हम क्या करेंगे किसी भी फंक्शन को परफॉर्म। नेक्स्ट है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। कि जो लोकोमोशन और मूवमेंट हमारा फर्स्ट टॉपिक है, कि मूवमेंट होती क्या है, लोकोमोशन क्या होती है, तो हम स्टडी करेंगे। द मूवमेंट ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स, किसी भी कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स की मूवमेंट है, ये नहीं, एक तो क्या होता है, जैसे प्लांट्स हैं एक जगह पे फिक्स हैं, वहीं खड़े खड़े भी क्या होती रहती है, उनके अंदर लोकोमोशन मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, लेकिन वो क्या होती है आपकी, सिर्फ लोकोमोशन, लेकिन मूवमेंट क्या होती है, देखो द मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिजम्स, की इसके अंदर लोकोमोशन के अंदर क्या होना चाहिए, कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म क्या करे, मूव करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, बेटर ब्रीडिंग ग्राउंड्स और टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम प्रेडेटर्स। कि एनिमल्स क्यों मूव करते हैं, किसके लिए मूव करते हैं, कि वो क्या कर सकें, सर्च, फूड की सर्च में, वाटर की सर्च में, बेटर ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन बेटर तरीके से हो सके कई जगह पे। ठीक है, और टू प्रोटेक्ट themselves फ्रॉम प्रीडेटर्स। की कई जगह प्रीडेटर्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स दैट ईट अदर ऑर्गेनिजम्स। कि जो एनिमल्स क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ईट करते हैं। ठीक है, तो उनसे बचने के लिए भी वो क्या करते हैं, उनसे बचने के लिए क्या करते हैं, हमारे जो एनिमल्स हैं वो क्या कर जाते हैं, मतलब लोकोमोशन शो करते हैं। ठीक है, अभी ये तो है नहीं, वो आगे ही खड़े रहेंगे कि भाई खा लो हमें, मतलब बीट कर लो। ठीक है, वाइल सीटिंग ऑन योर चेयर इन द क्लास यू कैन फील योर चेस्ट राइजिंग अप एंड डाउन।
कि जब आप सिटिंग करते हो चेयर के ऊपर तो क्या होता है, आपकी चेस्ट अपराइज होती है. यू ऑल्सो ब्लिंक यूर आइज और मूव यूर हैंड टू टर्न द पेजेज ऑफ बुक. कि आप क्या करते हो, पूरा दिन एक्टिविटीज करते हो, अपने आइज अपने अपने जो हैंड की मूवमेंट, आइज की मूवमेंट, ठीक है. तो ओनली ए पार्ट ऑफ द, ये जो आप एग्जाम्पल जो आप कर रहे हो, आप बाद में डेस्क पे बैठने के बाद, चेयर पे बैठने के बाद, तो जो आप एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो, तो इनमें क्या होते हैं, इन ऑल दिस इंटेंसेस ओनली अ पार्ट ऑफ बॉडी मूव. स्किन मिस्टफ क्या करता है, आपकी बॉडी का एक पार्ट मूव करता है. व्हेन द ऑर्गेनिजम्स रिमेन इन सेम प्लेस एंड मूवमेंट इज ओनली इन द बॉडी पार्ट्स, दिस इज इट इज नोन एज मूवमेंट. कि जब क्या होती है, सिर्फ देखो लोकोमोशन तो क्या थी कि जब पूरा ऑर्गेनिज्म क्या करे, वन प्लेस टू अनदर मूव करे, उसको तो हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन. कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो, मूवमेंट हो. कि जैसे मैं यहाँ बैठी थी, फिर मैं उठ के मतलब कहीं बाहर चले गए, ठीक है, कंप्लीट बॉडी मूव की उसके साथ में, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन. लेकिन मूवमेंट क्या होती है कि जब हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या रहता है, सेम प्लेस पे रहता है, लेकिन उसके सिर्फ बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट. मूवमेंट आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ टू थिंग्स इन अ बॉडी, बोन्स एंड मसल्स. कि हमारी बॉडी में जो मूवमेंट होते हैं वो कैसे पॉसिबल है, सिर्फ किसकी हेल्प से, बोन्स और मसल्स की हेल्प से. द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स गिव्स ए बॉडी इट्स शेप. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड अ स्केलेटन. कि जो हमारी बॉडी को क्या देता है, शेप प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन, ठीक है. सम ऑर्गेनिजम्स सच एज प्रॉन्स, क्रैब्स एंड कॉकरोचेज हैव ए हार्ड स्केलेटन. देखो ये प्रॉन होते हैं, क्रैब्स होते हैं, ये हमारे सी के साइड पे मिलते हैं क्रैब्स वगैरह, और कॉकरोच, इनका कैसे होता है, बिल्कुल हार्ड स्केलेटन. कि इनका जो स्केलेटन होता है ना, बिल्कुल हार्ड होता है. कॉकरोच की बॉडी को आपने टच करके देखा होगा, बिल्कुल साउंड प्रोड्यूस होती है ना जब आप उसको कुछ भी मतलब हिट करते हो उसको. किसके लिए होता है, कि उनकी बॉडी को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, आउटसाइड देयर बॉडी फॉर प्रोटेक्शन, विच इज कॉल्ड द एग्जोस्केलेटन. इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जोस्केलेटन. वाइल ऑर्गेनिज्म सच एज कैट्स, फिश एंड बर्ड्स हैव अ स्केलेटन इनसाइड देयर बॉडी विच इज कॉल्ड एंडोस्केलेटन. लेकिन कई ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, जैसे कैट्स है, बर्ड्स है, उनके अंदर स्केलेटन का होता है इनसाइड द बॉडी, इनका क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है. जैसे कॉकरोच है, क्रैब है, प्रॉन्स है, इनका क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी, और इनका क्या होता है, इनसाइड द बॉडी. तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एंडोस्केलेटन.